अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी सी ठीक हो रही हूँ, थोड़ी ख़राब हो रही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, अपना आशियाना। तो जी, अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह का क्या, दोपहर ही हो रही है, मतलब 11 बज रहे हैं। तो सासनी से आने के बाद डीप क्लीनिंग तो करनी ही थी, तो मैंने एक एक करके एक एक दिन काम निकाल रही हूँ, क्योंकि बीमार भी हूँ, फिर खाना भी बनाना पड़ता है, तो हर चीज़ का बोझ जो है ना, मैं एक साथ नहीं ले सकती। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने डब्बे धो धा के सारे जो है ना किचन में शेल्फ में लगा दिए हैं। उसके बाद फ्रिज के अंदर देखूंगी क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं, क्या चीज़ है। फ्रिज भी साफ़ करना है, मैसी हो जाता है, इधर उधर सामान रख दो तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अच्छा, डब्बे इस तरीके से लगे हूँ सजे धजे से, अच्छे लगते हैं ना, मुझे बड़े पसंद आते हैं। तो मैं हर 7वें दिन, 8वें दिन, 10 दिन में ही अपने डब्बों को क्लीन कर लेती हूँ। ऐसी इसमें कोई परमानेंट डेट नहीं होती है, परमानेंट दिन नहीं होता है जब इस तरीके से काम करूँ। तो गाइज, आज का जो वीडियो है ना, वो थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल है मेरी मम्मा के लिए। मम्मा के लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि मम्मा, जब मैं सासनी में थी तो मम्मा का टेस्ट था, मम्मा का चेकअप था, लेडी कहाँ पर, जहाँ पे मम्मा, एम्स में। तो वहाँ पर मम्मा को जाना था, तो मम्मी गई थी भाभी के साथ, और वहाँ पर मम्मी का फ़ोन चोरी हो गया था, किसी ने मम्मा का फ़ोन चुरा लिया, मुझे सासनी में ही पता चल गया था। और फिर उसके बाद मम्मा के पास कोई फ़ोन नहीं था, तो मैं जैसी आई, मम्मा ने बोला कि रानी मुझे फ़ोन दिला के लेकर आओ, चलो हम लोग चल रहे हैं। तो मैंने मिनाज़ को बोला कि मम्मा कह रही हैं कि फ़ोन दिला दो, तो मिनाज़ ने बोला कि ऐसा है, आप मम्मा की बात मत सुनो, मैं कर लूँगी। तो मैंने जब मम्मा को ये बात बताई तो मम्मा को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। फ़िलहाल तो मेरा फ्रिज भी नीट एंड क्लीन हो गया था, सब्जियां मैंने सारी साफ़ वाफ करके रख दी थी। अच्छा, अंडे ख़त्म हो गए थे, तो अंडे आ चुके हैं। अच्छा, अंडे, मेरे को खांसी हो रखी है, तो मैं अपने लिए और इनायत के लिए अंडे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, या अल्फी और उसके पापा के लिए ही अंडे यूज़ हो रहे हैं। मैं और इनायत तो घर में पराठा वगैरह, रोटी ऐसे करके, या बटर ब्रेड खा लेते हैं, क्योंकि इनायत को अभी तक मना ही है अंडे खाना, क्योंकि सासनी में मना हो गए थे, तो फिर मैंने दिल्ली में एक दो बार दिए तो उसको फिर से रिएक्शन हो गया, तो इस वजह से मैंने अंडे जो है ना दिए ही नहीं। खैर, कोई नहीं। और ये कौन थे जो मैं आगरा से लेकर आई हूँ? ये वाले तो वही कावेरी कौन है जो दिल्ली में मिलते ही हैं, सब जगह ही मिलते हैं, बट ये निदा कौन है जिनकी मेहंदी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है। तो ये मैं ले आई थी जब हम लोग गए थे अनु के ससुराल में। तो यहाँ पर मैं दूध में से मलाई निकालने की कोशिश करूँगी, फ़िलहाल तो मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मन कर रहा था, सफाइयाँ सारी हो चुकी है, 12 बज रहे थे, तो जब से खांसी वांसी हो रही है ना, तब से मेरी दोनों दिन में 2-3-4 चाय काढ़े ये सब चल ही रहे हैं। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। हाँ जी, तो मैं मिनाज़ की बात आपको कर रही थी, तो मिनाज़ ने मम्मा को मना कर दिया कि आप फ़ोन मत लेकर आना। मम्मा कहने लगी ऐसे मना करते जैसे कि मैंने कभी फ़ोन नहीं ख़रीदा, या मैंने किसी को फ़ोन खरीद के गिफ्ट नहीं दिया। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, किसी का कहना नहीं सुनते, अपने आगे किसी की चलाते नहीं। गाइज, हमें इस तरीके की जो डांटे होती है ना, वो हम लोगों को मिलती रहती है कभी भी कहीं भी, क्योंकि वो माँ हैं, उनको पूरा पूरा हक है कुछ भी किसी को भी कहने का। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसा आपको लगता होगा ना कि अपी या मैं, बुलबुल, मिनाज़, सबकी हम लोगों की तारीफ़ें होती रहती है। नहीं, ओरिजिनल मम्मी की मुँह ज़ुबानी जो होती है ना, वही होती है। आप सुनो मिनाज़ की। क्या पापा जी, आप सो रहे हो? अभी जग रहे थे पापा जी। अरे तो अभी कहाँ, मम्मा का गिफ्ट? 9 बजे ही सो गए पापा। पापा जी ऐसे करते हैं, वो हमें भी आ जाता है, सबको आता है। कौन ऐसा बंदा जिसे लेते फुर्ती आती है? हाँ, तुम 24/7 वाले हो। आप पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुके हो। लेट नहीं, मम्मा का नया फ़ोन आया जी, फ़ोन आया जो चोरी हो गया था, तो बाज ने नया फ़ोन मंगाया, तभी उस दिन हमें मना कर दिया था लाने के लिए। मम्मा इतनी हमारी जिद पर जाती है भैया, किसी बच्चे की जिद वो करना, वो है आपकी नहीं है। और किसके लिए लाएंगे भाई? फोन किसका चोरी नहीं खुल जाएगा? खोलो खोलो, किस्तो वाला है या वो आपके लिए गिफ्ट है? ये गिफ्ट है मम्मा, किस्तों में कुछ, किस्तों में कुछ देगी वो। बाज फोन लेकर आई है मम्मी के लिए, नया फोन लाई है। तो आप उठ ही नहीं रहे, मार रहे थे अभी मुझे। कभी तो किसको सुस्ती आ रही थी? अरे कब से ऑर्डर कर रखा है हमने, जब खोया था तभी ऑर्डर कर दिया था इसने मम्मी के लिए फोन, जो खोया था वही पाया है। रेडमी, लेकिन वो 8 था, ये 10 है। ओ भाई साहब, खोल तो ले।
तुम्हें दिखाई पहले आपको तो आलस आ रहा था आलस आता है पापा जी उन्हीं की तरह है तुम्हें क्या क्या आया जी खुल जाएगा मैं नजाजी हाँ खुल जाएगा ये कैनेडा मेरे में डाल दो फिर देखो बेतावी कितनी है पापा जी वाओ कलर भी बहुत बढ़िया है आने का ब्लैक बहुत हो गया अब थोड़ा गर्लिश होना चाहिए पापा जी का देखो मैंने उसकी तरफ से अरे मैं तो देख लूँ यार हाँ वो आप देखे दिख रहा है सुकून से खुश होने तो पापा जी उनको अपना फोन मिला है गिफ्टेड रेडमी वाओ अब पापा जी को गिफ्ट का वो भी चाहिए पापा जी गिफ्ट के पैसे नहीं होते अब खोल दो मुझे पूरा मेरा खोल के दो मम्मा को ना ऐसे नहीं समझ में आएगा ये करके दो ये उससे बड़ा है हर तुलना करेंगे वो अपने से ही पापा जी ये वो करना पड़ेगा तुलना तुलना दादा तुलना करेंगे चार्ज करना पड़ेगा वैसे ही देख लो मम्मा हाथ में लेके दिख गया मम्मी को रेडमी ये आपका चार्जर मम्मी अपना चार्जर किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है ठीक है ना ये 10 मिनट में हो जाता है चार्ज अपने चार्जर से जो भैया करते रहते हैं ना कि मेरा 10 मिनट में 10 मिनट में हो जाता है उनका ओरिजिनल चार्जरों की बात ही यही होती है आप जो किसी से भी कर लेवाते हो ना देना भी नहीं चाहिए और क्या अरे बड़ा है आपसे ये रहा ना आपका वाला ये देखो कल्पना हो कंपैरिजन हो रहा है कंपैरिजन भैया कंपैरिजन अरे कहाँ गए पापा बड़ा ही है ये तो बड़ा ही है ये बड़ा वाली है बड़े लोग बड़ी पसंद थोड़ा चौड़ा है मैं कम है पर पापा जी फोन लोग फीचर्स के हिसाब से कंपेयर करते हैं पापा जी लंबाई चौड़ाई से कंपेयर करते चार्ज तो करो इसे चार्ज करके चलेगा बहुत हैप्पी हैं फोन चोरी हो गया बहुत हैप्पी तो कभी बच्चों की सुन लिया करते ऐसे जिद नहीं पड़ते हैं मम्मा आप नहीं 40 में नॉटी हो जाते हैं ना तो मम्मा 40 ही में नॉटी हो गए पापा जी गिफ्ट है ना पापा जी उसने मम्मी को गिफ्ट दिया है अपनी तरफ से वो क्यों बताया आपको अब उसने दे दिया तो दे दिया तो ये तो 18 का होगा ऐसे कर रहे जैसे रोज मोबाइल खरीद रहे अरे मेरा फोन तुझसे अच्छा नहीं और मम्मी पापा तो ऐसे कर रहे जैसे रोज फोन खरीद के देखते ही काम है दोनों का काना खाया काना बताओ आपको कैसा लगा फोन लेके बेटी ने फोन गिफ्ट किया इतनी खुशी हुई है ना हाँ, नहीं बिना फोन के हाथ कटे कटे से लग रहे होंगे आपको नहीं, है ना फोन तो खैर इन्होंने दे दिया था तुम्हारे पापा ने मुझे पापा ने दे दिया था अच्छा 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 गाइस मम्मी का यही वाला फोन खोया था रेडमी का 8 खोया था मिनाज ने 10 ला के दिया है ओके ओके खासियत दिखाइए ये हमारे पापा जी को पीछे से कुछ ना कुछ बोलना है अब जो आपकी कहानी चल रही थी वो आप चला सकते हो मम्मी को ना आजकल कहानियाँ सुनने का बहुत शौक आ गया है तो बस वही मम्मी मिस करती हैं भाई कोई होता नहीं है घर के अंदर तन्हा होती हूँ सही बात है तो कहानी सही बात है मम्मा ने फोन को अपना जीवन बना दिया जैसे जली जीवन है पापा जी 2 मिनट यार पापा जी जिसका फोन है पहले उसको देते हैं फोन भी आ रहा है किसका आ रहा है उठाओ 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 किसका आ रहा है जाकिर भाई का ये चल रही थी कहानी आपकी लेकिन जाकिर का फोन इज्जत दे अल्लाह अच्छा घर भर दे अल्लाह तुम फुर चुड़िया की तरह उड़ जाओ अपने घर फिर कौन रखेगा आपका ध्यान अगर मैं यहाँ से चली गई तो आओगी नहीं ये बात आपने 100% सही बोला आओगी नहीं तो पापा का अंधेरा अगर किसी को मुझे बता दो हम तो तैयार है नहीं खैर ऐसे बता देते अगर किसी को अपने वो होता है ना आपने बहुत सारे YouTube पे वीडियोस देखे होंगे कंपैरिजन वीडियो वो सब फेक है पापा जी हाइट से कितना लंबा है कितना छोटा है फोन कौन से ब्राइटनेस ज्यादा है कंपैरिजन वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी और ये कंपैरिजन चल रहा है OnePlus का और MI की 10 का भाई जो तुम्हारा है वो मेरा तो होगा नहीं लेकिन हमें अच्छा जी पापा जी दुनिया को इतनी ठंड लग रही है 2 डिग्री टेम्परेचर हो गया आप स्लीवलेस पहन के सो रहे हो
अरे पापा हमारे पापा है ना, बहन के कब है? अरे भैया अरे अच्छा अच्छा कुछ आदत है ना, हमें भी पापा की गई, मेरे से भी स्वेटर वगैरह पहन के नहीं सोए जाता, मुझे भी ना एक कॉटन की टी शर्ट चाहिए होती है। बुलबुल बुलबुल मम्मा आप ऐसी पैक्स होते हो, आप ऐसी पैक्स होते हो, आप अपने जेठ पे गए ताऊ भी ऐसे सोते थे ना, हमारे ताऊ जी भी बिल्कुल पैक्स होते। मम्मी सॉक्स ही तो नहीं पहनती? नहीं अरे तो सॉक्स वो पहने कहीं जाए आएगा शादी में आपसे डायलॉग बोल दियो कि अपने पांव जमीन पे मत रखना वरना मैले हो जाएंगे, तभी से आपने पैर बेड पे चढ़ा रखे हैं बाबा जी। और पापा ऐसे डायलॉग बोलने वाले भी लेकिन बेशक हमारे पापा ने अपने बीवी बच्चों को ऐसे ही पाला है कि पैर जमीन पे नहीं रखने दिए। बिल्कुल 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 लाडो से पाला है मम्मी को तो नहीं मम्मा आपको भी लाडो से नाजो से रखा माशाल्लाह, जैसा हमारा नाम रखा है उस हिसाब से हमें नाजो से पाला है, हमारे नाम को मायने दिए। बिल्कुल 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 और क्रेडिट गोज टू पापा। हाँ वही तो पापा। वो जो चलता है ना पापा की परी 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 साबित को किया है हमारे पापा ने, हमारे पापा ने सही बात है। ओफ मम्मा हैप्पी है, बस उनका पर्सनल फोन आ गया है, अब उन्हें कोई ताने नहीं मारेगा, हमने अपना फोन दे दिया। हो बाबा जी मुझसे तो हंसा भी नहीं जा रहा, टून चेंज कर दो बड़ा मतलब टू 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 वाली मतलब इसकी क्वालिटी चेंज कर देना। अच्छा अच्छा मम्मी की ना बरसों से एक यही है, रूहान जब पैदा हुआ था तब से ये मम्मी की ये वाली लपे आती है, लपे आती है दुआ, ये मम्मी की ना जब से रूहान हुआ था तब से है। मुझे इसके सिवा कोई अच्छी नहीं लगी ना। ये आपके फोन की पहचान है, पहचान है आपके, एक आपका नंबर और एक आपके फोन की रिंगटोन लपे आती है। आपको मालूम है मुझे पापा का नंबर याद है 44 मम्मी को नहीं नहीं मम्मी को सिर्फ दो ही जनों का नंबर याद है, एक भैया का और एक पापा का जो इनकी जिंदगी के दो स्तंभ है। है मम्मा याद है मम्मा आपको बस लाइफ में दो ही नंबर याद हो, एक भैया का और एक पापा का, दो ही आपके लगते जिगर, एक भैया और एक पापा। भैया का तो मुझे शुरू से याद, शुरू से पहला नंबर याद ही मम्मा ने भैया भैया का करा था। पापा का मुझे अभी याद, पहले ना पीछे पीछे के याद थे, आगे भूल जाती थी कि क्या लगता है, लेकिन अब आगे भी 99 पता है 99 53। बस मम्मा यूट्यूब पे सब पापा को फोन करने लग जाएंगे, आप नंबर यूट्यूब पे दे रहे हो, पापा का नंबर वो हो जाएगा फेमस है, पापा जी को फिर कॉल आएगा, कॉल आएंगे। अच्छे से जानते हैं, गोरी तो लग रही हूँ मिनाज में। ठीक है 10 बज गए मम्मा, मैं जाऊँ 10:15 बज गए पापा जी, यानी सही तो है ठीक है। एक तो रिंगटोन भी नहीं, ये लोग अपनी पसंद की रिंगटोन भी पसंद कॉल कर देना करते।